अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वी आर स्टडिंग साइंस कार्निवल फॉर क्लास टू एंड अवर लेसन इज़ द अर्थ सन मून एंड स्टार्स, यूनिट नंबर 11। कल हमने इसकी रीडिंग कर ली थी। आज पेज नंबर 108 पे इसके क्वेश्चंस हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू स्टार्स लुक सो स्मॉल टू अस? सितारे जो हैं स्टार्स, वो हमें बहुत छोटे नज़र क्यों आते हैं? तो इसका आंसर है पेज नंबर 107 पे। पेज नंबर 107, ये लास्ट पे देखिए, जो आपने स्टार्स का टॉपिक पढ़ा था, इसमें है इसका आंसर। स्टार्स यहाँ पे दे लिखा हुआ है, दे की जगह पे आप लोग करेंगे स्टार्स। स्टार्स आर लार्ज इन साइज बट लुक स्मॉल एज दे आर फार अवे फ्रॉम अस, कि सितारे जो हैं वो साइज में बहुत बड़े हैं लेकिन हमें छोटे नजर आते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। स्टार्स आर सीन इन क्लस्टर्स, और स्टार्स को क्लस्टर्स में भी देखा जा सकता है। ये एक क्वेश्चन है इसका। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द सन? हम सूरज से क्या हासिल करते हैं? तो इसका आंसर आप यहीं से करेंगे, वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो वी गेट हम यहाँ से करके हीट एंड लाइट लिखेंगे, फिर फ्रॉम द सन लिखेंगे, वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द मून? मून पे लाइफ क्यों नहीं है? इसका आंसर यहाँ से बन रहा है, यहाँ से, देर इज़ नो एयर और वाटर, दस देर इज़ नो फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन मून, कि चाँद पे ना तो पानी है ना हवा, इसलिए चाँद पे कोई जिंदगी नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं आपने इनको लर्न प्लस टाइट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।